वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम है रूपम और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं बात करने वाला हूं 150 सीसी सेगमेंट के पांच ऐसी बाइक जो कि अंडर 1 लाख आते हैं, लेकिन ये जो प्राइसिंग है वो एक्स शोरूम प्राइसिंग है और इनके जो बेस मॉडल है वो 1 लाख के अंदर आते हैं, लेकिन जो टॉप मॉडल है वो 1,02,000 या 1,03,000 के अंदर तक आ जाते हैं, उससे ज्यादा नहीं है। तो सारे गाड़ियों के बारे में आज बताऊंगा इस वीडियो में, कौन से बेस्ट है इसमें से वो भी आपको बताऊंगा। आखिरी तक वीडियो देखना, आप बिल्कुल भी मत मिस करना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले इस लिस्ट में मैंने रखी बजाज पल्सर 150, डुअल डिस्क भी है, सिंगल डिस्क भी है। इसकी जो प्राइसिंग स्टार्ट होती है एक्स शोरूम दिल्ली 90,000 से स्टार्ट होती है और 1,08,80 रुपए पे खत्म होती है। इसमें आपको फ्रंट डिस्क ब्रेक विथ ड्रम ब्रेक का सेटअप, विद डुअल डिस्क ब्रेक का सेटअप मतलब मिलता है आपको, तो जो आप लेना है वो ले सकते हैं। ये सब तो छोड़िए, इसके अगर मैं स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो इस गाड़ी का डिजाइन काफी अच्छा देखने को मिलता है, बहुत अच्छे लुक्स के साथ आती है। लेकिन इस गाड़ी का डिजाइन जो BS4 BS3 में है सेम वैसा ही है, मतलब कोई भी चेंजेस नहीं, कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा सा अपडेट किया है। गाड़ी आपको पूरा ब्लैकआउट थीम के साथ देखने को मिलता है। फ्रंट में आपको हैलोजन हेडलाइट, यस आपको एलईडी हेडलाइट नहीं है, विद पायलट लैंप्स मिलता है, पार्ट एनालॉग पार्ट डिजिटल है, जिसमें एनालॉग वाला पार्ट आपको आरपीएम देखने को मिलता है, बाकी आपको डिजिटल है। खुली इसमें फ्यूल इंजेक्शन आ चुका है, तो इसमें इंजन माल फंक्शन का भी एक लाइट आपको देखने को मिलेगा इंस्ट्रूमेंटेशन में। सीट आपको स्प्लिट सीट भी है, सिंगल सीट भी है, जो आपको लेना है वो ले सकते हैं, मतलब डुअल डिस्क या सिंगल डिस्क, तो उस हिसाब से आप ले सकते हैं। रियर एंड में आपको टेल लाइट आपको देखने को मिलता है, स्प्लिट टेल जो कि सिग्नेचर है बजाज पल्सर का। इसमें आपको एलईडी टेल लाइट देखने को मिलता है, कन्वेंशनल आपको इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं। ऑन एंड ऑन उतना कुछ इंप्रेसिव नहीं है, जैसी गाड़ी होती है वैसे ही है, कम्यूटर सेगमेंट की गाड़ी है। हाँ, लेकिन इसका जो पोस्चर है, ना आपको स्पोर्टीनेस आएगा ना आपको कम्यूटर आएगा, मतलब बीच का आपको मिक्सचर आपको मिलेगा इस गाड़ी में। दैट्स व्हाई इस गाड़ी को ज्यादा पसंद करते हैं लोग। आज भी बहुत ज्यादा सेल होती है 150 सीसी की पल्सर, नाम से ही ये गाड़ी इतनी ज्यादा बेची जाती है। फिगर की बात करो तो 150 सीसी का इंजन है, एयर कूल्ड इंजन है, फ्यूल इंजेक्शन के साथ आ चुका है फाइनली BS6 वाले मॉडल में, जिसमें 14 BHP का पावर पोर्ट, 10.25 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको देखने को मिलता है, प्लस इसमें कैथलेटिक कन्वर्टर एक ऐड हो चुका है साइलेंसर वाले पार्ट में, 5 स्पीड ट्रांसमिशन है, स्मूथ है लेकिन उतना स्मूथ नहीं है। प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो ऑन एंड ऑन ठीक आपको देखने को मिलता है। साइकिल पार्ट्स में आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक और पीछे मिलता है डुअल सस्पेंशन सेटअप, वो भी मैनाट्रॉक्स वाला। डिपार्टमेंट में फ्रंट एंड रियर में आपको डिस्क ब्रेक और फ्रंट में डिस्क ब्रेक और पीछे ड्रम ब्रेक का भी सेटअप, मतलब दो ऑप्शन है आपके पास, जो लेना वो आप ले सकते हैं। सिंगल चैनल एबीएस एज अ स्टैंडर्ड आपको देखने को मिलेगा। इस लिस्ट में रखा है दैट इज अपाचे RTR 162V के बारे में। अगर आप लोग बोलेंगे 4V क्यों नहीं रखा है, एक्चुअली उसका जो प्राइस है वो 1,24,000 से कुछ स्टार्ट होता है, तो वो अंडर 1 लाख तो नहीं होती है, दैट्स व्हाई मैंने इस बाइक को लिया। ये भी बुरी नहीं है, कोई बुरी नहीं है, ये गाड़ी आज भी उतनी ही बेची जाती है पहले जितनी बेची जाती है, क्योंकि इसका प्राइस कम है और 160 cc का इंजन आपको देखने को मिलता है। इसकी जो प्राइसिंग स्टार्ट होती है इंडियन मार्केट में एक्स शोरूम, वो होती है 97 लाख से 1,08,000 रुपए कुछ के करीब करीब होती है, जिसका टॉप वेरिएंट होता है। इसमें भी दो वेरिएंट आता है, एक डुअल डिस्क और सिंगल डिस्क विद ड्रम, दो सेटअप आपको देखने को मिलता है, जो आपको लेना वो ले सकते हैं। इसका सबसे इंप्रेसिव पार्ट है वो इसका इंजन, जो कि अपडेट होकर पावरफुल ज्यादा हो गया, लोग की कम हो रहे हैं इसका पावर ज्यादा हो गया है। बात करो डिजाइन की तो डिजाइन वाइज मेरे को फ्रंट का हिस्सा बहुत मस्कुलर लगता है, रियर एंड अगेन उतना ही थिन लगता है। आई डोंट नो TVS वालों ने इसको कैसे डिजाइन किया, बट इसका फ्रंट एंड आपको मिलता है हैलोजन हेडलाइट विद 2 पायलट लैंप्स, यस बहुत मस्कुलर है। पार्ट एनालॉग पार्ट डिजिटल आपको इंस्ट्रूमेंटेशन देखने को मिलता है, और इसमें भी अगेन फ्यूल इंजेक्शन होने के कारण वही इंजन माल फंक्शन का एक लाइट आपको इंस्ट्रूमेंटेशन में देखने को मिलता है। स्प्लिट हैंडल बार है, पल्सर में भी था स्प्लिट हैंडल बार, इसमें भी स्प्लिट हैंडल बार है, जो कि हल्का सा स्पोर्टीनेस प्रोवाइड करता है। मस्कुलर टैंक है, टैंक एक्सटेंशन देखने को मिलता है, एलईडी टेल लाइट है, स्प्लिट सीट नहीं है, सिंगल सीट है, लेकिन जो पीछे का सीट है वो हल्का सा हाई रेस्ट है, रेस्ट आपको सेम देखने को मिलता है। हाँ, इसका सेटिंग पोस्चर हल्का सा स्पोर्टीनेस ज्यादा लगा मेरे को। इसका सेक्शन का टायर फाइनली 130 सेक्शन का हो चुका है। इंजन की बात करूं तो 159 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है और फ्यूल इंजेक्शन के साथ आता है फाइनली BS6 मॉडल में। पावर आउटपुट बढ़ गया है, 15.53 BHP का पावर आउटपुट निकल गया, और जो टॉर्क है दैट इज 13.9 न्यूटन मीटर का टॉर्क, और इसमें मिलता है आपको 5 स्पीड ट्रांसमिशन। साइकिल पार्ट्स की बात करते हैं, इसमें आपको मिलता है फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक और पीछे मिलता है अगेन डुअल सस्पेंशन सेटअप विद नाइट्रॉक्स चार्ज। नेक्स्ट इसमें है वो होंडा यूनिकॉर्न 160 BS6, जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट है। कि अगर प्राइसिंग की बात करूं तो एक ही वेरिएंट आता है, इसमें कोई 2-3-4 वेरिएंट नहीं, एक ही वेरिएंट है जिसका प्राइस है 93,593 रुपीस। और अगर मैं डिजाइन की बात करूं तो डिजाइन बहुत ही मिनिमलिस्टिक है, ये गाड़ी जो लॉन्च हुई थी बहुत समय पहले वैसा ही डिजाइन आज भी देखोगे, वैसा ही डिजाइन, प्लस ये है कि पूरा का पूरा ब्लैकआउट थीम कर दिया कि पूरा गाड़ी ब्लैक दिखे, बस वैसा ही करा है, ज्यादा कुछ चेंजेस है नहीं, वही कन्वेंशनल लाइट, कोई पायलट लैंप्स भी नहीं है, कन्वेंशनल इंडिकेटर्स, रियर एंड भी आपको कन्वेंशनल आपको लाइट देखने को मिलता है, कन्वेंशनल इंडिकेटर देखने को मिलता है, इंस्ट्रूमेंटेशन
कोई भी आपको डिजिटल नहीं दिखता, आपको फुल एनालॉग मिलता है, तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है तो पूरा एनालॉग है। एक बस एक चीज ऐड की है, दैट इज इंजन माल फंक्शन यूज किया गया, दैट्स इट, नथिंग एल्स। टैंक साइज भी ऑन एंड ऑन एडिक्यूट लगा। राइडिंग पोस्चर सरप्राइजिंगली पूरा का पूरा आपको कंप्यूटर देखने को मिलता है, मतलब थोड़ा सा भी स्पोर्टीनेस नहीं है। सिंगल सीट ऑप्शन है जो कि अगेन फ्लैट आपको देखने को मिलता है, या हाई रेस्ट टाइप का नहीं है। और जो इसका जो फुट रेस्ट है वो भी आपको सेंटर सेट है, ज्यादा रियर सेट नहीं है, तो आपको बहुत ही कंफर्टेबल प्रोवाइड करने वाला है ये राइडिंग में। अगर मैं बात करूं इसके इंजन की, तो अभी इसमें नया इंजन लग गया है, 162.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कोल्ड फ्यूल इंजेक्शन वाला इंजन है। थोड़ा सा रिट्यून हुआ है, पूरा का पूरा डिजाइन चेंज हुआ है। जो पावर पोर्ट देखने को मिलता है, दैट इज 14 बीएचपी का पावर पोर्ट। जो टॉर्क मिलता है, दैट इज 12.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क। इस गाड़ी में आपको मिलता है 5 स्पीड ट्रांसमिशन। होंडा का इंजन बहुत स्मूथ होता है और बहुत रिलायबल होता है, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत अच्छा है। अगर मैं पूरे लिस्ट में देखूं ना, तो ये एकमात्र ऐसी गाड़ी अगर आपने ले लिया ना, तो अगर आपने अच्छे से मेंटेन किया ना, 6, 7, 8 साल इवन 10 साल तक भी गाड़ी प्रॉब्लम नहीं करती, वही पिकअप, वही साउंड, वही स्मूथनेस आपको देखने को मिलता है। और इसकी रीसेल वैल्यू भी अच्छी है, जितने इस लिस्ट में मैं बता रहा हूं ना, उसमें सबसे अच्छी रीसेल वैल्यू इस गाड़ी की है। अगर मैं बात करूं इसके साइकिल पार्ट्स की, तो फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक, पीछे मिलता है आपको मोनोशॉक सस्पेंशन। और इसमें डिस्क ब्रेक की बात करूं, तो फ्रंट में आपको मिलता है डिस्क ब्रेक और पीछे मिलता है ड्रम ब्रेक। कोई भी पीछे ब्रेक का ऑप्शन नहीं है, सिंगल चैनल एबीएस जैसा स्टैंडर्ड देखने को मिलेगा। जो नेक्स्ट इस लिस्ट में, दैट इज यामा FZ-FI, और ये बेस वाली बात कर रहा हूँ, ज्यादा महंगी वाली नहीं। तो इसमें आपको जो प्राइस देना पड़ता है, दैट इज 1,01,200, एकदम बेस मॉडल की बात कर रहा हूँ, दैट्स वाई इसका प्राइस मैंने इतना बोला है। तो अंडर 1 लाख तो नहीं आती, लेकिन हाँ थोड़ा सा ज्यादा है, तो 1 लाख के अंदर ही कंसिडर कर रहा, क्योंकि यामा की गाड़ी होना जरूरी है इस लिस्ट में। 150cc सेगमेंट में थोड़ी महंगी है, थोड़ी सी महंगी है, लेकिन कोई बात नहीं, गाड़ी बहुत अच्छी है। यामा का इंजन अगेन बहुत स्मूथ है, बहुत रिलायबल है, जैसा होंडा का है वैसा यामा का भी इंजन है। अगर बात करूं फीचर्स की, फ्रंट में आपको मिलता है LED हेडलाइट विद, आपको मिलता है नॉर्मल इंडिकेटर्स। फ्रंट एंड बहुत अच्छा मस्कुलर है, एंड इसके जो इंस्ट्रूमेंटेशन है वो आपको फुल्ली डिजिटल देखने को मिलता है। मस्कुलर टैंक आपको देखने को मिलता है, सिंगल सीट ऑप्शन है। रियर में आपको कन्वेंशनल लाइट देखने को मिलता है, टेल लाइट देखने को मिलता है, लेकिन इसके टायर काफी रेडियल होते थे। और पीछे का आपको मिलता है 140 सेक्शन का टायर है। यस, इसके मस्कुलर आपको सस्पेंस सेटअप भी देखने को मिलता है। अगर मैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करूं, तो 149 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है, और ये फ्यूल इंजेक्शन 7 आ चुका है, लेकिन सरप्राइजिंगली इसका पावर उतना इंप्रेसिव नहीं है। 12.4 पीएस का पावर पुल देखने को मिलता है, एंड 12.6 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क आपको देखने को मिलता है। इसमें मिलता है 5 स्पीड ट्रांसमिशन, लेकिन जो पावर की डिलीवरी है ना, बहुत ही लीनियर है, मतलब लगेगा ही नहीं आपको कि झटका देके आपको चला रही है, बहुत लीनियर है। बहुत मजा आएगा इस गाड़ी को चलाने में, बहुत ही इंप्रेसिव गाड़ी है, स्मूथनेस तो बहुत ही अच्छी है। बात करें इसके साइकिल पार्ट, तो फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फोक, पीछे मिलता है मोनोशॉक सस्पेंशन। फ्रंट में और रियर में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है, और सिंगल चैनल एबीएस जैसा स्टैंडर्ड देखने को मिलता है। इस लिस्ट में, दैट इज बजाज एवेंजर 160। यस, एक क्रूजर बाइक को तो ऐड करना बनता ही है, तो बजाज की तरफ से इस गाड़ी को रखा है मैंने। और इसकी जो प्राइसिंग है, एक्सशोरूम प्राइसिंग, दैट 94,893 रुपीज इसका एक्सशोरूम प्राइस है। डिजाइन वाइज बात करते हैं, पूरी की पूरी आपको एक क्रूजर बाइक की फील देगी। फ्रंट एंड का जो ट्रैवल है बहुत आपको बड़ा देखने को मिलता है, राउंड हेडलाइट है, सिंगल इंस्ट्रूमेंटेशन है, और फ्यूल गेज आपको टैंक के ऊपर ही देखने को मिलता है, जो कि क्रूजर टाइप की फील में बहुत मजा आता है। बड़ा टैंक है, पीछे 130 सेक्शन का टायर देखने को मिलता है, सिंगल सीट है, सीट कंफर्ट भी ऑन एंड ऑन बहुत अच्छा है। फ्रंट सेट है जैसे कि क्रूजर बाइक्स में होता है, हाई रेस हैंडल बार देखने को मिलता है, और इसका ग्राउंड क्लियरेंस ऑन एंड ऑन एडिक्यूएट है। साइलेंसर पार्ट आपको ब्लैकआउट देखने को मिलता है, और इंजन में आपको पूरा का पूरा ब्लैकआउट देखने को मिलता है, ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, इसमें स्पोक व्हील नहीं है, इसमें आपको अलॉय व्हील्स देखने को मिलता है। इंजन की बात करते, इसमें लगा हुआ पल्सर NS160 का ही इंजन, 160 सीसी का सिंगल सिलेंडर फ्यूल इंजेक्टेड एयर कूल्ड इंजन है, जो कि पावर आउटपुट निकालता है 15 bhp का पावर आउटपुट एंड 13.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और इस गाड़ी में मिलता है आपको 5 स्पीड ट्रांसमिशन। अगर मैं बात करूं साइकिल पार्ट्स की, फ्रंट में आपको मिलता है टेलीस्कोपिक फोक, पीछे मिलता है डुअल सस्पेंशन सेटअप, जो कि अच्छी खासी राइडिंग कंफर्ट आपको प्रोवाइड करता है। इसमें आपको मिलता है डिस्क ब्रेक फ्रंट में, और पीछे मिलता है ड्रम ब्रेक, और फाइनली इसमें ABS एज अ स्टैंडर्ड आपको देखने को मिलता है, वो भी सिंगल चैनल ABS। सो फ्रेंड्स, ये रहे टोटल 5 ऐसी बाइक जो आपको मिल जाएंगे 150cc सेगमेंट में 1,00,000 या 1,02,000 के बीच में। काफी अच्छी गाड़ी है। आप लोग का इनमें से कौन सी सबसे अच्छी गाड़ी लगी, वो प्लीज ये कमेंट करके, जो दिख रहा है ना नीचे कमेंट बॉक्स, वहां पे आपको कमेंट करके बताना है कि आपकी फेवरेट कौन सी बाइक है। और इन गाड़ियों से रिलेटेड कोई भी सवाल सुझाव कुछ भी, तो प्लीज ये इंस्टाग्राम को जो हैंडलर है उसको फॉलो करें, विद इन 24 आवर्स, विद इन 48 आवर्स अगर आपने मैसेज किया तो रिप्लाई दे दूंगा। टिल देन आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट ब्लॉग, नेक्स्ट रिव्यू, कुछ भी सकता है। टिल देन बाय एंड चाओ।